ये एक नेक्स्ट गेम खेलने आया है यहाँ पर। कुछ कार है जो वीआरवी में चलेगी, पता नहीं इसमें क्या होना है। अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं। भाई ये गेम खेल रहा आर्यन, ये टीवी पे भी आ रही है। आर्यन इज ड्राइविंग दिस कार। इधर आर्यन कार चला रहा है और ये टीवी पर आ रहा है कैसी चला रहा है। तो गाइस आर्यन ने अपनी गेम्स खेल ली है। सो आर्यन बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितना एंजॉय करा? बहुत ज्यादा। और दादी आपने आर्यन को देख के कितना एंजॉय करा, सच्ची बताओ? डर गए थे। किस पर डर रहे थे? जब उल्टा हो गया था। चलो थोड़ा सा डांस कर दो ना दादी को, होता हल्का सा दादी कर दो। दादी को डांस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं वेस्ट साइड की तरफ, देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ अच्छा मिला या कुछ खरीद सका हम लोगों ने। तो आर्यन ने खूब इंजॉय कर लिया है, उसको देख के हमने भी करी या पूरा इंजॉय है। तो हम दोनों ने भी बहुत इंजॉय करा, नेहा ने भी बहुत करा। अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्ट साइड में, देखते हैं अगर कहीं कुछ अच्छा मिलता है, कुछ खरीदने लायक होता है, कुछ पसंद आता है तो हम ज़रूर लेंगे। और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमने अगर कुछ खरीदा तो। और उसके बाद हम आज डिनर करके ही घर जाएंगे, पूरा डे आउट करना है हमने, स्पेंड आउट करना है, अच्छे से एंजॉय करना है। देखो दादी अब थक गई है मॉल में घूम कर, तो अभी हमने दादी के लिए व्हील चेयर ले ली है, तो विशाल व्हील चेयर चला के दादी को लेके जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, दादी अब थक गई, दादी को हमने व्हील चेयर पे बिठा दिया। अब हम लिफ्ट की साइड जा रहे हैं दादी को लेके। अब हम लोग दादी का एक्चुअली बर्थडे आ रहा है, 4th of September को दादी का बर्थडे होता है, तो हम दादी को आज शॉपिंग कराने के लिए लेके जा रहे हैं। अब तो बहुत खेलना भी हो गया, खाना पीना भी हो गया, तो अब शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं ना। अब हम लिफ्ट की साइड जा रहे हैं, लिफ्ट में फिर जाएंगे ऊपर देखने के लिए दादी के लिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हैं मीना बाजार के अंदर और अभी हमारी चल रही है शॉपिंग। थोड़ा मम्मी के लिए कुछ ले रहे हैं, सूट्स वगैरह। ये पीछे मेरे नेहा खड़ी है और अभी हम इधर सूट्स वगैरह ले रहे हैं मम्मी के लिए। मीना बाजार के अंदर खड़े हैं, हमारे फेवरेट मीना बाजार।
जिसके अंदर ये बैठा आपका आर्यन। लेकिन अभी हम लखनऊ वाले मीना बाजार में नहीं, हजरतगंज नहीं गए हैं, हम अभी अपने दिल्ली पैसिफिक मॉल के मीना बाजार के अंदर ही हैं। और अभी हम लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं। मम्मी ट्राई करने गई हैं कुछ, तो उनको कुछ अच्छा लगा था, अगर समझ में आता है तो ज़रूर लेते हैं फिर हम लोग। गाइस हम लोग मीना बाजार से वापस आ गए, मम्मी को वहाँ से कुछ पसंद नहीं आया, अभी हम आए हैं चिक पर, मम्मी को कोई अच्छी पार्टी वेयर टॉप या कुछ अच्छी कुर्ती मिल जाए वो दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा यहाँ पर, मम्मा विशाल पसंद कर रहे हैं कुछ पीसेस, तो देखते हैं उनको कौन सी अच्छी पसंद आती है। और आर्यन को देखो कहाँ चढ़ के बैठ गया है उनके यहाँ पर, और यहाँ पे मम्मी के हाथ में दो पीसेस हैं, उनको कौन से पसंद आए देखते हैं अभी, बाकी देखते हैं क्या यहाँ पे मम्मी लेती है, क्या पसंद करती है, मैं आपको बताऊंगी फिर कौन सी चीज़ पसंद आई। मीना बाजार में तो कुछ पसंद नहीं है, उन्होंने शॉपिंग कर ली है और हम खाना खाने आए हैं ढाबा पे, ये एसपी पर ढाबा रेस्टोरेंट। अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, अंदर विशाल आर्यन और मम्मी बैठ चुके हैं, यह इनसाइड व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो देखो वो बैठे हैं तीनों, और अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखो क्या ऑर्डर प्लेस करा है इन्होंने। हाँ जी, क्या ऑर्डर प्लेस किया है बताओ हमारे व्यूअर्स को। अच्छा ओके, पापड़ आ गए, आर्यन के फेवरेट पापड़, वो तो जब जाएंगे तब। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, यस। तो अभी हम यहाँ पे खाना खाने लगे हैं गाइस, देखो हम खाना खा के फिर आप लोगों को मिलते हैं, या जब हमारा खाना आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया है। तो अभी ये इनसाइड व्यू है यहाँ का सारा, बहुत सुंदर बना हुआ है, अभी हम खाना खाएंगे। यहाँ जनरली हम लोग आते हैं, हमें यहाँ का खाना पसंद है, तो आज हम क्या मंगवाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे गाइस। गलौटी कबाब मंगवाए हैं, ये विशाल के हाथ में है, आर्यन भी खा रहा है। आर्यन दिखाओ कैसा है, कैसा लगा आप दोनों को? मजा आ गया। ये हमारा स्टार्टर है, हमने पहले ये खाया, अब उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे। यस, तो अभी हम ये खा रहे हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे डिनर में क्या मंगवाते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने गलौटी कबाब खा लिया, और उसके बाद ये देखो ये दोनों चटनी के साथ पापड़ ही खाने में लगे हुए हैं, साबुदाना और दूसरे पापड़, ये दोनों पापड़ ही खाएंगे, पापड़ से ही पेट भर लेंगे। इन्होंने 3 times ये रिफिल करा लिया पापड़ वाला, और ये लोग ये देखो आर्यन ने चटनी उठा ली है, चटनी पापड़ यही खाई जा रहे हैं, दोनों पापड़ के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं। पापड़ से पेट मत भर लेना, अभी डिनर भी करना है सब, हाँ तो फिर पापड़ से पेट मत भर लियो, ठीक है। चलो अब जब हमारा मेन कोर्स आएगा फिर हम घर भी पड़े हैं पर हम बना के खाते नहीं, और आज इतना टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स हम लोगों ने देखो मंगवाई है मखनी दाल, और ये कनस्तरी बैंगन का भरता, हम लोग यहाँ पे रोटी है, हर रेस्टोरेंट में अलग अलग सर्विंग बाउल्स है, जैसे एरो सिटी और साइबर सिटी में खाता हूँ कनस्तरी बैंगन का भरता, कनस्तर नहीं रहे। अब हम लोग आपको खाना खाने के बाद मिलेंगे। ये देखो मीठा आ गया, अब डिनर के बाद फिरनी मीठा, विशाल का फेवरेट फिरनी, अब ये खा रहे हैं मीठे में। वैसी वाली नहीं है ये फिरनी, बहुत टेस्टी है, विशाल की फेवरेट है ये। कैसे लगी? अच्छी है, वैसी है जो आप पंडारा रोड पे खाते हो। वो कृष्णा का नाम ना ले, वो अलग ही है, वो नेक्स्ट लेवल है, बट दिस इज आल्सो अ वेरी गुड, ओके, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। चलो दादी से पूछते हैं उनको कैसी लगी। बहुत बढ़िया दादी, आपको कैसी लगी? बहुत टेस्टी लगी, अच्छी लगी। चलो आज दादी का भी मीठा हो गया, विशाल का भी मीठा हो गया। चलो अब हम आपको मिलेंगे पेमेंट वगैरह करने के बाद।
यहाँ पे खाना खा लिया है और ये भैया लोग हैं, बहुत अच्छे से सर्व करा है इन सबने। और खाना एज इट इज अगर मैं बताऊँ, कभी भी जैसे मैं खाता हूँ हमेशा, खाना हमेशा की तरह एक नंबर, जो मैं हमेशा यहाँ पर बोलता हूँ। और यहाँ का एम्बियंस एक नंबर रहता है, मेरे पीछे भी देख सकते हो। और मेरे को बहुत लजीज लगता है यहाँ का खाना। और आज मैंने यहाँ पे फिरनी ट्राई करी, जो मैं पंडारा रोड की हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ कृष्णा की, लेकिन मेरे को ढाबा की फिरनी भी बहुत अच्छी लगी है। और सर्विस भाई लोगों ने बहुत अच्छी दी है, वो एक नंबर का खाना और एक नंबर का सब कुछ रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैनेजर है सर, आपका नाम मनोज जी हैं। मनोज जी ने हमें बहुत अच्छे से सर्व करा और खाना जैसे हर ब्रांच में मेरे को अच्छा मिलता है। आप लोगों ने बहुत बार ही देखा होगा मैं साइबर सिटी और एरो सिटी में खाते हुए, आज मैं पैसिफिक मॉल पीतमपुरा में हूँ और यहाँ पे भी खाना और टेस्ट वैसे ही लजीज था। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप लोगों से, जोर से चले आने। थैंक यू। सो फ्रेंड्स देखिए, आगे अभी नेहा मम्मी को ड्राइव कर रही है ऑन व्हील चेयर। आर्यन अपना आगे चल रहा है, उसने खाने के लिए कुछ चीज़ें ली थी। और ये नेहा ने शॉपिंग करी है चिक से, उसको कुछ ड्रेस अच्छी लगी तो उसने कहा लेनी है, मैंने कहा ले लो, कोई इशू नहीं है। तो उसने आपको घर जाके दिखाते हैं कैसी ड्रेस ली है। वो तो होता ही है, गर्ल्स लेडीज किसी जगह जाएं और उनको कोई चीज़ पसंद ना आए। अभी हम व्हील चेयर वापस करेंगे यहाँ पर और फिर निकलेंगे आगे, ये मूवी का शो छूटा है अभी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं, अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। तो अब मेरे हिसाब से अब मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया है। तो अब मिलेंगे ऐसी एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के अनुसार। और आप लोग ऐसे हमें प्यार देते रहिए, बांटते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए। और हमें लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए जितना कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सारे रिश्तेदार दोस्तों यारों को बोलिए सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सब जब सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन बेल आइकन बेल आइकन। तो मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ कल, तो अभी के लिए शटर डाउन।